For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. अब तो किसानों की कही है, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है, उसने ये भी कहा है कि कुछ थोड़े से किसानों को, मुट्ठी भर किसानों को हम समझा नहीं पाए। मुट्ठी भर मान के भी मुट्ठी भर किसानों ने सरकार के गोडे टिकवा दिए, मोदी को झुकना पड़ा। कितनी बड़ी बात है, एक मुट्ठी कह रहा था, उन्होंने सरकार का घमंड तोड़ दिया, मोदी का एक साल में चकनाचूर कर दिया इसका घमंड। आजादी की लड़ाई सिर्फ इस SKM की नहीं है, आंदोलन की जीत नहीं है, तीनों काले कानूनों की आजादी की लड़ाई नहीं है। MSP की लड़ाई जो अधूरी रह गई है उसको भी हम लड़ने के लिए इसी मैदान में डटे रहेंगे। हम कहते हैं कि सरकार अपने वादों पर यदि खरी उतरती है तो ठीक है, नहीं तो हम मैदान को फिर दोबारा से फतेह करने के लिए दोबारा से आएंगे। ये जीत सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चे की नहीं बल्कि 80 करोड़ साथियों की जीत है, क्योंकि मैं समझता हूं कि सरकार के सामने टिक पाना ही सबसे बड़ी जीत है। मैं समझता हूं कि MSP का तो झुंझुनिया पकड़ा दिया गया है। MSP का जो समिति का नाम लेकर, कमेटी का नाम लेकर शायद MSP के मुद्दे को दोबारा गर्त में डाल दिया गया, हमें इस बात का भी पता है। लेकिन खुशी इस बात की है कि जिन काले कानूनों को, जिन 3 कृषि कानूनों के लिए हम आगे चले थे, हम उनको आज रिपील करवा रहे हैं। पूरे 1 साल से ये आंदोलन चल रहा है, हम आज आंदोलन में है और आज हमारी जीत हुई है और हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं, उन शहीदों के बल पर हमारी जीत हुई है। हमने उन 700 किसानों को खोया है, लेकिन कोई भी संघर्ष, कोई भी आंदोलन कुर्बानी मांगता है, उन किसानों की कुर्बानी जाया नहीं गई है और हम मुकम्मल जीते हैं, पूरी तरह से जीते हैं। हमारी सारी मांगे सरकार ने मांगी है और जो मांगे नहीं मानी है उसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे। महिलाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जो महिलाएं घर तक चूल्हा चौका तक सीमित थी वो आज टोल और बॉर्डरों पर बात करती हैं, अपने विचार व्यक्त करती हैं। उनको पता है उनके कानून क्या है, सरकार से लड़ना कैसे है और सरकार हमारे लिए क्या क्या कर रही है। हमें आंदोलन में बहुत कुछ सीखने को मिला है और इससे हमें ये लाभ है। हम मोदी का धन्यवाद करते हैं कि मोदी ने आंदोलन लड़ना सिखा दिया और हमारे SKM का जन्म करवा दिया, चाहे वो स्टेट पे है, चाहे वो ऑल इंडिया पे है। हमारा 1 साल का बच्चा है SKM, अभी इसको घी दूध पिला के बड़ा करेंगे, मजबूत करेंगे। आज हम टोल बॉर्डरों से विधानसभा और संसद के जो गलियारे हैं उनको मापने का काम 2024 में करेंगे। इस सरकार को सड़क पे लाने का काम करेंगे, क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि ये कलम कहाँ चलती है। अब हम विधानसभा और संसद के गलियारों पर कब्जा करेंगे ताकि हमारे लिए गलत कानून ना बने। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था, पोल्यूशन एक्ट था, उन पर सरकार टेबल पे बात करने को तैयार है। इस आंदोलन के दौरान जितने पर्चे दाखिल हुए वो सारे आज वापस लेने को हैं। जिस आंदोलन के दौरान जितने लोग शहीद हुए उनको कम्पनसेट बात करने की बात की जा रही है। मैं समझता हूँ कि आज किसानों ने एक ऐसी मियाद देश के सामने पेश की है, एक ऐसा एग्जाम्पल देश के सामने पेश किया है जिससे आने वाली पीढ़ियां, आने वाली जनरेशन और कल से अलग अलग संगठन, अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के लोग आंदोलन करने के लिए प्रेरित होंगे और उस आंदोलन में प्रेरित करने के लिए वो संयुक्त किसान मोर्चे का उदाहरण दिया करेंगे, वो फार्मर प्रोटेस्ट का उदाहरण दिया करेंगे, वो किसान आंदोलन का उदाहरण दिया करेंगे। बिल्कुल खुश है, ऐसा लगता है जैसे आजाद हम पहली बार हुए हैं। पूरा आसमान हमारा है और हम उड़ने के लिए तैयार है।